बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, सबसे पहले आपको म्यांमार की खबर दूं कि वहां की जो नोबल इनाम याफ्ता, जिन्हें ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत के लिए 5 साल की सज़ा उन्हें सुनाई दी गई, 190 साल उनकी सज़ा बनती है, और ये वो जमहूरी लीडर थी म्यांमार में जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ पर बड़े अरसे तक वहाँ पर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो आपको पता है जमहूरियत को डिरेल करने की म्यांमार में कोशिश होती रही, उसके ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बनी रही। म्यांमार में हालात मुख्तलिफ नहीं है जनूबी एशिया के बहुत से ममालिक की तरह, वहाँ पर भी फ़ौज कंट्रोल इसी तरह करती है। इनके ऊपर भी अब 11 के करीब मुकदमात बनाए गए थे, जिसमें तकरीबन एक मुकदमा था जिसमें 11 किलो सोना इन्होंने एक चीफ मिनिस्टर से या $6 लाख अमेरिकन उसके अवज़ रिश्वत ली। और फिर ये जो मुकदमा सुनाया गया, बड़ा देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह पाकिस्तान में अदालतें आजकल मुकदमे सुना रही हैं, वहाँ बंद दरवाज़ों के पीछे बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए जज ने इन्हें 5 साल की कैद सुना दी। अब ये बनाना रिपब्लिक मुल्क है, मतलब इन मुल्कों में फ़ौज अदलिया ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह नहीं है। वहाँ पाकिस्तान तो माशाल्लाह एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर तो आपको पता है एक इदारे आज़ाद हैं, अपनी अपनी रविश पर चलते हैं। म्यांमार तो एक बनाना रिपब्लिक मुल्क है जहाँ पर फ़ौज कंट्रोल सारा मुल्क करती है, सियासतदानों को बदलती है, वहाँ पर अदलिया फैसले सुनाती है, अपनी मर्ज़ी से सुनाती है। जिस तरह भी इस केस में सुनाया कि जिसे दुनिया नोबल इनाम याफ्ता लीडर कह रही है, अवाम उसके लिए सड़कों पर मारें खा रही है, लेकिन अदालत ने 1 सेकेंड के अंदर अंदर बंद कमरों के पीछे इसका फ़ैसला सुना कर इस खातून को 5 साल के लिए सज़ा याफ्ता कर दिया। दूसरे मानों में सियासत 76 साल उम्र है, 5 साल के बाद 81 साल की उम्र में ये खातून कहाँ दोबारा अपने मुल्क के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ेंगी। तो बनाना रिपब्लिक्स में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ पर अदलिया के देखें 4 बेंचेस बने मरियम नवाज़ साहिबा की अपील के लिए, हर आधे घंटे के बाद समाअत हो रही है। अदालत यहाँ पर कह रही है कि अगर 25 दिन वज़ीर आला नहीं है लाहौर में तो उसके लिए 12 बजे तक का टाइम दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के केस में दिया। तो हमारी अदालतें तो आपको पता है आज़ाद है बिल्कुल, इन्होंने कहा कि आप कल 12 बजे तक ये वज़ीर आला का जो फ़ैसला है, ये हलफ का फ़ैसला ये करवा दें, वरना फिर ज़ाहिर है अदालत दखल देगी, तो फिर उनको टाइम भी बताएगी, वोटिंग का तरीकाकार भी मुकर्रर करेगी, ना हुआ तो फिर फैसला भी देगी। कोई अगर प्रिजर वैन भी बाहर भिजवा दें कि अगर ना किया गया तो सदर को इस दफ़ा उठा लेंगे या गवर्नर को उठा लेंगे, मतलब धमकी देंगे। तो ये मामला सिर्फ आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान में अदालतें माशाल्लाह बिल्कुल आज़ाद हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है जिस तरह म्यांमार में हुआ है। तो ये आप गलतफहमी अपने जहन से निकाल दें। अब दूसरी बड़ी अहम जो आपको पता है, कराची यूनिवर्सिटी में जामिया कराची में मामला हुआ, और बड़ा तशवीशनाक मामला, क्योंकि उसमें आप देखें जो सामने अब खातून सामने आ गई हैं, उनके पास 2 मास्टर डिग्रियाँ MPhil, इंतहाई तालीम याफ्ता घराने से खावंद डॉक्टर, और खावंद भी ट्वीट करके बीवी की हौसला अफजाई करने वाला, बच्चों को कह रहे जी अब इनकी आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल महफूज हाथों में है। वालिद साहब जो हैं वो ब्यूरोक्रेट, अब ऐसे लोगों पे किसी सूरत में शक हो ही नहीं सकता कि ये ऐसा काम कर सकती हैं। लोग देखना चाह, मजीद ब्रिगेड ने जाहिर है हमेशा की तरह उसकी ले ली उसकी जिम्मेदारी भी, और उन्होंने फिर एक वीडियो भी जारी की, भरपूर वीडियो, और इस वीडियो में उन्होंने चीन के सदर को पैगाम दिया, उन्होंने कहा आप अपना यहाँ से सी बैक का प्रोग्राम रोल बैक करें, आप अपनी यहाँ पे हर किस्म की इन्वेस्टमेंट को बंद करें, यहाँ पर आप जो समुंदर और खुश्की दोनों पर जिधर जिधर भी चीन के मफादात हैं हम उनको यहाँ पर निशाना बनाएंगे, मतलब ये उनकी इतनी देखें बदमाशी का लेवल चेक करें। इस वक्त पाकिस्तान के लिए मौजूदा तौर पर 3 बहुत बड़े मसले जो है वो सामने आ चुके हैं। एक मसला इनके लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, दूसरा इनके लिए ISIL, ये जो इस्लामिक रियासत खरासान जो इन्होंने बनाई हुई थी, और तीसरा इनके लिए ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी। अब ये तीनों के तीनों अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त मौकफ रखा, वहाँ पर अफगान तालिबान से बात की, वो आगे से जो है बिल्कुल किसी सूरत में हमारे साथ तावन करने को तैयार नहीं है, वो बल्कि जो यहाँ तक इल्ज़ाम का सिलसिला लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो दरअंदाजी की उसकी पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो दूसरे मानों में ये तहरीक तालिबान ISIL और इसके साथ ये जो BLA टाइप पार्टीज़ हैं, इनको वो प्रमोट करेंगे, इनकी हिम्मत करेंगे, इनकी हौसला पनागाहें तो वहाँ पर पहले से मौजूद थी, अब उन्हें खुल कर वो
मदद भी करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक सरहद के उस तरफ और बलूचिस्तान वाली साइड की सरहद के भी दोनों तरफ में बहुत बड़ा मामला जो है ख़राब होता जा रहा है। ऐसे में सिक्योरिटी इदारों की जो ज़ाहिर है जो उनके ऊपर प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उन्हें हर सूरत में अमन करना है, हर सूरत में अमन को पूरा करना है। तो ये मामलात जो है अब किस तरफ जाते हैं, किस तरह इन्हें कंट्रोल करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक तरफ ये वो लोग हैं जो चीन के मुखालिफ हैं। पाकिस्तान में आपको पता है दो तरह के तबकात हैं, दो तरह के थिंक टैंक हैं। एक वो है जो अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं, एक वो है जो चीन की तरफ जाना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ जाने में इनके चूंकि बहुत ज़्यादा मफादात हैं, हम उनके साथ एक अरसे से पिछले 75 साल से उनके साथ हैं, उनकी एड पर चलते रहे, उनकी वो हमारी पाकिस्तानी सियासत को बड़े करीब से देख चुके हैं, समझते हैं। बहुत सारी आपको पता है यहाँ पर जो जमहूरी हुकूमतें गिरी और उसके बाद जब भी मिलिट्री हुकूमत आई तो हमेशा अमेरिका ने आके उसमें तावन भी किया, उसके बाद पैसे भी दिए और भरपूर फौजी तावन भी बढ़ाया गया। तो इसलिए अमेरिका हमेशा से हमें सूट करता है। दूसरी तरफ चीन के साथ जो अब प्रोग्राम तो चल रहे हैं हमारे, अब उन प्रोग्राम्स को हम बंद भी नहीं कर सकते, उन्हें कंप्लीट भी करना है। ऐसी सूरत हाल में हमें हर सूरत में ये प्रोग्राम चलाने के लिए उन लोगों का तहफ़ यकीनी बनाना होगा। चीन के बाशिंदे सिर्फ एक ही मुल्क बनाया गया जहाँ पर गैर महफूज है, बाकी जहाँ दुनिया में चीन के किसी बंदे को कुछ हो चीन खुद वहाँ मदद के लिए पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के साथ चूँकि हमारी दोस्ती हिमालिया से ऊँची है तो इस वजह से वो ताल्लुकात की बुनियाद पर ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत में चीन के बाशिंदों के साथ कोई किसी किस्म ज़्यादती नहीं होने देगा, जो बिल्कुल किसी सूरत में होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये मामलात जो हैं ये बड़े गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। तीसरी बड़ी अहम बात जो कि आपको पता है इस वक्त मुल्की मईशत के ऊपर, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल IMF के लोन पर गए और आपको पता है जिस अंदाज में पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था बड़ा अरसा जब इमरान खान की हुकूमत थी IMF से लोन नहीं लेना चाहिए, चले गए हैं उसके पास कशकोल उठाए, तो यही कशकोल उठाए, कभी ये सऊदी अरब भी जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये अमेरिका से इमदाद भी चाह रहे हैं, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ से इन्हें पैसे मिलने की तवक्को है वो ज़रूर वहाँ जाएँगे, मदद की कोशिश करेंगे। को अपना तो पाकिस्तान के पास कोई जो जब इनकी 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त आप देखें तजारती खसारा और इनका जो करंट डेफिसिट है वो 20 अरब डॉलर और 60 अरब डॉलर ये छोड़ कर गए। अब इमरान खान की हुकूमत में इन्हें 20 अरब डॉलर के करीब इनको बाकायदा खजाने के अंदर पैसे मिले हैं। इस वजह से किसी सूरत और इजाफी बिजली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखें मैं खुद लोड शेडिंग सारा दिन बर्दाश्त करता हूँ इसलिए मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है, कोई ये नहीं कह सकता आपको पता नहीं है। ये जो लोड शेडिंग हो रही है इसके लिए IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं आपको पता है महंगे तरीन मुआहदे किए गए थे, उन महंगे तरीन मुआहदे में क्योंकि किक बैक्स थे, इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से वो रिवर्स करके इनको न्यूट्रल करके इन इदारों से बातचीत की थी। अब वो तमाम कीमतें दोबारा वही इदारों को IPPs को पता चल गया कि हुकूमत आ गई है तो वो कोशिश करें उसी सूरत में अपने मुआहदों को लेकर जाएँ। इसीलिए अब आपको बिजली की बंदिश नज़र आएगी, लोड शेडिंग नज़र आएगी ताकि लोग चीखो पुकार करें। जिस वक्त लोगों की चीखो पुकार बुलंद सतह पर पहुँचेगी दोबारा IPPs के साथ मुआहदे रिविज़िट होंगे, उनके नए स्केड्यूल बनेंगे और उसमें से फिर खुलकर किक बैक्स और कमीशन निकलेगा, आवाम को बिजली भी मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बिजली ऑलरेडी आप देखें शौकत तरीन जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उनके 2-3 दिन पहले का ये बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली बनाई हुई है। इसका मतलब पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई ये जो कह रहे हैं आपको कि 20 हमने नए वो जो प्रॉब्लम्स हैं बिजली के घर उन खोल दिया, हमने ये कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिजली अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मौजूद है। लेकिन ये जानबूझकर सप्लाई अब नहीं करेंगे ताकि लोग जब प्रेशर में हैं तो ये कि हम रिविज़िट कर रहे हैं, हम अपनी हुकूमत बेहतर कर रहे हैं और उनमें से किक बैक्स और प्रॉफिट कमाया जाएगा। अवाम को सिर्फ और सिर्फ परेशान, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह महंगाई की वजह से अब सूरत हाल जो है इनके हाथों से बाहर निकल चुकी है, इन्हें अंदाज़ा नहीं है कंट्रोल किस तरह होगा, क्योंकि ना इनके पास वो इंतज़ामी सलाहियतें ज़रूर होंगी कि ये समझते हैं कुछ लोगों को आगे पीछे करने से या कंट्रोल अच्छा करने से लोग बात सुनते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं है और बीच में किक बैक्स और कमीशन है। 100 रुपये की चीज़ में से 20 रुपये वो बंदा सबसे पहले अपनी जेब में डालता है, 80 रुपये में फिर हिस्से बढ़ते हैं तो एंड में जो कंज्यूमर के पास है वो कुछ नहीं बचता, इसलिए इसे कंट्रोल